नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल पर, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो आज हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में एक बड़ी अच्छी चीज आपको यहां पर दिखाने वाले हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरह, कि कोई पर्टिकुलर सेल बिलिंग कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि ना ये नंबर्स है, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने से कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे 80 लिख के एंटर मारा, अब देखिए जहां जहां 80 है वो आपका ये बिलिंग कर रहा है। तो चलिए चीज को जानते हैं कि आखिर ये बिलिंग कर कैसे रहा है। फिर मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, और फिर मैं नंबर यहाँ पे मान लीजिए 74 किया, तो इसमें जितने भी 74 होंगे या 75 होंगे वो आपका बिलिंग करेगा। अब हमने मान लीजिए कि 45 करके एंटर मारा, तो ज्यादा 45 पर एंटर किया। तो चलिए अब जानते हैं इस फीचर को कि आखिर ये वो कैसे रहा। सबसे पहले दूसरी शीट पे आते हैं। मैं यहां पे सर्च देता हूं, सर्च में मैं यहां मान लीजिए कि कुछ लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे अपने डेटा को देता हूँ। रैंड बिटवीन की मदद से मैं यहाँ पे रैंडम डेटा ले सकता हूँ, एक बड़े हद तक डेटा लूँ ताकि 5 या 10 ऐसे मैच हो जाए, ऐसे डेटा हम ले लेते हैं यहाँ पे, राइट। और इसको कॉपी करते हैं और यहाँ वैल्यू पेस्ट कर देते हैं ताकि इसकी रैंड बिटवीन की जो फॉर्मूला है वो रिमूव हो जाए। और इसको आप चाहो तो बॉर्डर भी लगा लो ताकि थोड़ा सा इफेक्टिव हो। मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ और पेज लेआउट में जाता हूँ। मैं इसकी बैकग्राउंड कलर हटा, बैकग्राउंड का जो ग्रिड लाइन है वो हटा देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ तो यहाँ पे बॉर्डर मैं लगा देता हूँ। अब इस एरिया का नाम दे देता हूँ, क्योंकि रेंज थोड़ा बड़ा है ना, B7 से लेके HS29, तो इसको लिखने में दिक्कत होगा। तो डिफाइन नेम में जाके मैं इसका एक शॉर्ट नेम बना देता हूँ, और ये हमारा B3, तो B3 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डेवलपर टाइप में आते हैं, विजुअल बेसिक पे जाते हैं और एक नया मॉड्यूल्स को इंसर्ट करते हैं, और इसमें एक मैक्रो बनाते हैं सब BL से ब्लिंग से, कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम BL सेल कर देता हूँ। ब्रैकेट ओपन कर डिफाइन करते हैं कि dim R as a range, यहां पे देते हैं कि फोर ईच आर इन रेंज, और इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा में डेटा दे देते हैं जो कि हमने डिफाइन नहीं किया। ऐसा इसलिए कर रहा है, यहां पे लूप लगाने का पर्पस ये है कि इसमें जब मान लीजिए हमने 50 डालूंगा तो 50 किस किस सेल पे है, क्योंकि इसके लिए हम कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो नहीं लगा रहे हैं। हम एक एक सेल में जाकर चेक करेंगे कि 60 कौन है, या जो कि 50 आ रहा था 50 किस किस सेल पे, उसका एड्रेस लेना होगा इसलिए। और यहां पे हम कर देते हैं dim m as a string, और यहां m पे एक कर देते हैं b3, क्योंकि b3 को भी हाईलाइट करना है इसलिए हमने b3 कर दिया। और फिर यहां पे हम if कंडीशन लगाएंगे कि if r dot value is equal to range B3 की वैल्यू, अगर दोनों बराबर है तो क्या करें, हम क्या करें कि M के साथ कंबाइन कर दे उसका एड्रेस, जो मल्टीपल सेल सेक्शन के लिए जो एड्रेस हम लेते हैं वो हम यहां पे कंबाइन कर देते हैं R डॉट एड्रेस। तो एक एड्रेस पहले से यहां B3 है, तो B3 के साथ जो जो सेल इसमें मैच हो रहे हैं वो मर्ज हो जाएंगे। सब लोग कंट्रोल के साथ सिलेक्शन करते हैं ना, इस तरह से इसकी एड्रेसेस को लेके किसके ऊपर डाल देगा, एम के ऊपर स्टोर कर देगा। तो सारे एड्रेस एम के ऊपर आ गए। ओके, अब यहां पे हम क्या करते हैं, डू वाइल कंडीशन लगाते हैं कि डू वाइल, और हम देते हैं कि रेंज Not equal to zero. तो कब तक लूप चलता रहा, जब तक B3 जीरो के बराबर नहीं है तब तक ये लूप चलता रहा। तो लूप में करें क्या, तो सबसे पहले तो मैं यहां करूंगा कि रेंज ए, ये नहीं, B3 है ना,
रेंज नहीं विथ रेंज यहाँ पे एम रेंज एम डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी वीवी रेड और फिर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट वेट क्योंकि ब्लिंक करना है तो कलर चेंज होगा तो यहां पर हमने कर दिया नाउ प्लस टाइम वैल्यू इसके अंदर में एक सेकेंड का गैप दे देता हूं मैं एक सेकेंड का गैप होगा और फिर यहां पे कलर चेंज कर देता हूं यहां पे वीवी रेड की जगह पे कर देता हूँ एक्सल एन ओ एन वन मतलब कोई कलर अप्लाई नहीं करना फिर एक सेकेंड वेट करेगा और फिर इस पे अगला कलर डालेगा तो यहां हम वापस एक्सल नन से वीवी रेड कर देते हैं उसके बाद मुझे यहां कंडीशन देना होगा कि इफ डू इमेंट ताकि टाइम गैप दे डू एक साथ होगा मान लीजिएगा उसके बाद कंडीशन लगाना होगा यहाँ कि इफ रेंज ए एन बी बी थ्री डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो लूप के अंदर होगा उसके बाद लूप के बाहर हम यहां पे देते हैं कंडीशन कि इफ रेंज ए बी बी थ्री डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो लेकिन यहां पे जीरो नहीं होगा लेकिन मैं एक काम करता हूं मैं एक और डिम डॉट वैल्यू को लेता हूं नहीं होगा जीरो देन मैं इस कोड को ले लेता हूं और बट क्या है कि एम को ही कर रहा है तो वो एम को चेंज हो जाता है ना तो मैं यहां पे पूरा का पूरा डेटा ले लेता हूं डेटा की जो है कलर को चेंज कर देता हूं हो गई कलर बट इसको ट्रिगर कैसे करें ट्रिगर करने के लिए कुछ तो चाहिए तो सी टू पे हम जाते हैं वर्कशीट यहाँ पे वर्कशीट और यहाँ पे हम सिलेक्शन चेंज के जगह पे चेंज को सिलेक्ट करते हैं अब वर्कशीट हम कैसे गए तो एक तरीका और जानने का है कि सी टू पे जाए राइट क्लिक और यहाँ व्यू कोड पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे आ जाएंगे अब यहाँ पे हमें क्या करना है हमें क्योंकि यहाँ पे चेंज मतलब कि जैसे मैं अपनी यहाँ पे इसको चेंज करूँ तो चेंज हो जाए यहां पे कंडीशन देंगे कि इफ नॉट क्योंकि बात यह है कि मैं सिर्फ यहीं पे चेंज मतलब कि जो हमारी एक्सेल है इसी पे चेंज होने पे अपनी इवेंट को चलाना चाहते हैं बाकी कहीं चेंज हो तो दिक्कत नहीं सिर्फ अगर यहां चेंज होता है तो होना चाहिए तो इसके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा कि इफ नॉट और एप्लीकेशन डॉट इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट में हमें देना है टारगेट टारगेट क्या है तो टारगेट हमने बोला रेंज B1 कि B1 बी सॉरी B3 पे ही चले आखिर कहीं और ना चले और यहां पे हमने कर दिया इज नथिंग थिंग तो और यहां पे हमें करना है कॉल और हमने डिलीट कर लिखा है बीएल सेल्स ही है हमारा बीएल सेल है सेल्स नहीं है बीएल सेल्स को हम यहां कॉल कर लेते हैं और फिर यहां पे एंड और कुछ खास करने की जरूरत नहीं जस्ट हमें कॉल कर अब चलिए इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है
अब यहाँ पे मैंने 80 डाल के एंटर, यहाँ पे 80 है विदाउट के, माफ कीजिए हमने यहाँ पे इफ का एंड इफ नहीं किया हुआ, हमें यहाँ एंड इफ करना चाहिए था, ये छोटी सी गलती है, मैंने इसको सुधार दिया है, इसलिए रन करके देखते हैं कि कोई गलती तो नहीं है। 75 मैं यहाँ पे चेन इसको मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करने पे खत्म कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि 45 डाला एंटर मारा, अभी माइक्रो क्योंकि अभी देखिए फ्रीज है हमारा, तो हर एक सेकेंड पे आपको टाइम मिलेगा, जैसे कि आपने प्रेस किया तो एक सेकंड का टाइम लगेगा और फिर डिलीट किया तो एक सेकंड टाइम मिलेगा डिलीट होने में, जब डिलीट हो जाएगा तो नॉर्मल चलेगा। तो सिंपल सी बात समझिए कि मैंने कोड को समझिए कि आखिर मैंने किया क्या है। सबसे पहले हमने कोड बनाया हुआ है और उस कोड में हमने बोला कि M3 यहाँ पे लिया जोड़ी है, B3 हमने ले लिया, फिर हमने बोला कि भाई जो वैल्यू हमने डाला है वो वैल्यू कहाँ कहाँ पे हमें मिल रहा है, तो इसके लिए उसका एड्रेस हमने ले लिया, क्योंकि मुझे तो उसी जगह को आप कलर करना है ना जो यहाँ पे डाली गई वैल्यू के बराबर है, इसलिए हमने कंडीशन फॉर ईच का लूप लगाया कि पूरी डेटा में लूप लगाओ। अब डेटा हमने यहाँ पे डिफाइन नेम कर दिया था, इसलिए यहाँ पे डेटा हमने डाला, बना एड्रेस आपको डाल सकते थे, और बोला कि जहाँ B3 की वैल्यू के बराबर है उसका एड्रेस जो है एक के साथ इसपे स्टोर कर दो, मल्टीपल सेल एड्रेस के लिए लेके हमने बोल दिया। जैसे कि ये क्या करेगा, ये करेगा आपको कि वो रेंज इस तरह से बड़े कमा में B3, G3, H5 जो भी मैच करेगा वो इस तरह से सारे एड्रेसेस को लिख देगा, एक साथ सारे एड्रेसेस पे हम कलर अप्लाई करेंगे, कलर को डिसअप्लाई भी करेंगे, तो सारे जहां जहां वैल्यू मैच हुई है वो यहाँ एम पे स्टोर हो गई। फिर हमने लूप का लूप लगाया कि भाई लूप कब तक चलना है, जब तक B3 पे 0 ना हो, या कोई और चीजें भी दे सकते हैं। फिर मैंने इसका कलर रेड करो, एक सेकंड वेट करो, कलर को हटा दो, फिर वापस कलर को एक सेकंड वेट करो, फिर वापस कलर को लगा दो, इससे क्या कि हर एक सेकंड में कलर चेंज होगा, तो हर एक सेकंड में आपको देखिए ब्लिंक हो रहा है। और डू इवेंट्स मतलब कि एक साथ मत चलो, थोड़ा सा गैप दो एक कोड से दूसरे कोड को रन होने में, तो ये आपको इवेंट दिखेगा। और फिर कंडीशन लगाया कि अगर सेल की वैल्यू 0 हो तो यही पे डू को क्लोज कर दो, जिससे आपका मैक्रो हट जाएगा, और डू क्लोज होते ही अगर V3 की वैल्यू 0 है तो बाकी पूरे डेटा से किसी भी तरह की कलर ना रहना चाहिए, लेकिन इसको तो हम रन करेंगे तभी चलेगा ना, मैं चाहता हूं नहीं ये तब वर्क हो जब मैं सेल्स को चेंज करूं, उसके लिए आपने डेटा के शीट पे राइट क्लिक किया, व्यू कोड पे आया और यहां पे कंडीशन लगाया कि इज नथिंग एप्लीकेशन इंटरसेक्ट टारगेट B3। क्यों हमने इसलिए बोला कि मेरा जो भी चेंज हो सिर्फ इसी पे हो, और इसके अलावा हम ये भी दे सकते हैं कि सेल एक्टिव सेल डॉट वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन हमने सिंपल सा कोड लगाया कि इज नॉट एप्लीकेशन डॉट इंटरसेक्ट B3 इज नथिंग, उसके बाद इस कॉल सेल को कॉल किया और ये माइक्रो को रन कर दिया, सिंपल सा भी। अगर माइक्रो समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे आप कॉल करके मुझसे और एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे तकरीबन 3000 से ऊपर वीडियो सर्च रखे हुए हैं, बस आपको क्या करना है, जस्ट सर्च करना है IPT इंडिया। जी हाँ, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए IPT इंडिया और आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जी हाँ, सारे वीडियोस मिल जाएंगे और मोर देन 72,000 वीडियोज हमारा 72,000 वीडियो जो है अभी अपलोड होगी हमारी कुछ महीने में, तो आप मेरे साथ बने रहें और इतने सारे वीडियोज का आप लाभ उठाएं। और मेरे साथ लाइव क्लासेस करनी है, मेरी पेन ड्राइव परचेज करनी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर सामने स्क्रीन पे है, और कोई भी एक्सेल किसी भी तरह की एक्सेल प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम हमेशा आपको मदद करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।